नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। शनिवार को एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन पर जिले में दंगा नियंत्रण का रिहर्सल शुरू किया गया। इस दौरान जिले के सभी थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र के संवेदनशील प्वाइंटों पर मौजूद रहे। पुलिस फोर्स अधिकारियों के साथ संवेदनशील प्वाइंटों पर कर रही है रिहर्सल की। आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को लेकर डीएम चंद्रभूषण सिंह और एसएसपी अभिषेक यादव सड़कों पर उतरे और दंगा नियंत्रण करने हेतु अभियान भी चलाया। ये ड्यूटी पॉइंट है आपका, ठीक है। दंगा नियंत्रण टीम में आपको जब भी रेड जोन बताई गई है तो रूप से यहाँ पर आना है, उससे यहीं पर आ रहे हैं। कोई अलग से बताया गया कि रिहर्सल किसे कराया जा रहा है, तो आप और आप सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप अपने प्रभारी को रिपोर्ट करेंगे, प्रभारी सब बंद रहिए, ठीक है ना। आप तब तक ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी बदली नहीं आती है, और ड्यूटी पॉइंट नहीं होगा जब भी रेड या दंगा नियंत्रण टीम के लिए किसी भी कंट्रोल रूम से बताया जाए बिना दंगा नियंत्रण उपकरण के नहीं आएंगे। आप अपने थाने से लेकर आएंगे, कोई समस्या हो तो पुलिस लाइन से लेकर आएंगे, लेकिन हेलमेट, झंडा, बॉडी प्रोटेक्टर, इन तीन चीज़ों के बिना कोई भी ड्यूटी पॉइंट पर नहीं आएगा। और ड्यूटी पॉइंट पे आपको तुरंत आना है जब भी स्कीम लागू होती है, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। अगर आप छुट्टी पे हैं कहीं भी और आपको सूचना मिलती है तो आप तत्काल अपने थाने में फ़ोन करके बताइए, ठीक है। भाई मैं छुट्टी पे हूँ, मेरे बदले में दूसरा आदमी भेज दीजिए। अगर आप ये चीज़ कोशिश करें कल आप पहुँचेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर आप छुट्टी पे पहुँचते हैं तो अपने थाने में नोट कराएंगे कि भाई वहाँ से कॉल आया है, मुझे पॉइंट पर पहुँचना है, मेरी पॉइंट पर ड्यूटी है, मैं मौजूद नहीं, कॉल को भेज दिया जाए मेरे बदले में, ठीक है। वोट आपका सेम रहेगा, अगर कोई चेंज होगा तो बाद में उसके बजाय में दूसरा लग जाएगा, लेकिन राइट स्कीम के अंदर नाम से ड्यूटी लगती है, तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। जब तक आप इस पॉइंट के प्रभारी हैं ड्यूटी पर ये याद भी रहेगा, अगर इनमें से किसी का ट्रांसफर होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज यही लोग रहेंगे। तो आप अपने पास नाम और नंबर की पूरी लिस्ट रखिए, क्योंकि मेरे पास ये हेड कॉन्स्टेबल है, ये कॉन्स्टेबल है और इतनी संख्या में है और इस पॉइंट में ये रिपोर्ट करें। ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? देखिए अभी क्या कहते हैं, त्यौहार चल रहे हैं, अभी रमज़ान का माह भी चल रहा है, आगामी त्यौहार, आगे और भी त्यौहार आ रहे हैं विभिन्न धर्मों के, और जनरल कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था के मद्देनज़र आज जनपद मुजफ्फरनगर में जो दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल किया गया, ये पूरे जनपद में किया जा रहा है, आज शहरी क्षेत्र में किया गया, इसी प्रकार से आज थाना मीरापुर क्षेत्र में, तहसील जानसठ क्षेत्र में भी किया जा रहा है, और जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहाँ कल किया जाएगा। पूरे जनपद में लगातार अगले कुछ दिनों तक दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल चलेगा, लगातार सभी पॉइंटों पे जहां पुलिस फोर्स मौजूद होना चाहिए वहां रिहर्सल के तहत वो पहुंचेंगे, इक्विपमेंट के साथ मौजूद रहेंगे। यदि किसी प्रकार की किसी सामान की या किसी भी इक्विपमेंट की कमी है तो उससे मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा ताकि वो पूरा कराया जा सके। उसी के मद्देनज़र आज हमारे द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, सभी लोगों के द्वारा और सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनपद में दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल करा जा रहा है। स्कीम क्या है सर? जो स्कीम आप बोल, देखिए स्कीम का स्पष्ट सब वो है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां लगाती है,
उसी के हिसाब से पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए यदि किसी भी समय ज़रूरत पड़ती है तो दंगा नियंत्रण स्कीम को लागू किया जाता है, जिसमें शहर के देहात के विभिन्न पॉइंट्स महत्वपूर्ण चौराहों पे अलग अलग प्रकार से फोर्स डिप्लॉय किया जाता है और वो फोर्स वहाँ पे अग्रिम आदेश तक डिप्लॉयड रहता है, वहाँ अपनी ड्यूटी करता है। ये उसी चीज़ का रिहर्सल चल रहा है। सर कितने जोन में बांटा गया है सर? मुझे देखिए, मुजफ्फरनगर अलग अलग प्रकार के जोन में बढ़ता है, लेकिन दंगा नियंत्रण स्कीम में आप ये समझिए कि वो कहीं भी हो सकता है, ये तैयारी के तहत किया जाता है। तो वो जनपद के जिस क्षेत्र में होता है उसके हिसाब से अलग अलग स्कीम्स बनाई गई हैं और उस स्कीम की दंगा नियंत्रण योजना को लागू किया जाता है जिस क्षेत्र में वो चीज़ होती है, उसके जो पॉइंट्स है वहाँ पे जनपद का फोर्स पहुँचता है, जनपद के अन्य जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे भी फोर्स उसी प्रकार से मौजूद रहता है। देखिए, मॉक ड्रिल में सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी बिना दंगा नियंत्रण उपकरण के नहीं आएगा, कोई भी बिना तैयारी के नहीं आएगा। सभी के पॉइंट के संबंध में उनको अवगत कराया गया, उनकी ड्यूटियों के संबंध में उनको अवगत कराया गया और उनको बताया गया कि उनको पहुंचने के बाद उस पॉइंट पे क्या क्या काम करना है, क्या क्या उनकी ड्यूटी है, क्या क्या वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी है, उनको अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी किसी पॉइंट पे ड्यूटी के लिए मिले हैं उनसे क्या काम लेना है। देखिए, जनपद में बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सारे चौराहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जहाँ पे पुलिस की ड्यूटियाँ रहती हैं जब इस प्रकार की योजना लागू होती है। काफ़ी विस्तृत लिस्ट है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है वो। सर, जैसे जगह जगह इंस्टॉल, तो कैसे मुजफ्फरनगर में फोर्स को तैनात किया गया है? तो देखिए, जनपद में सभी जगह पे फोर्स अलर्ट है, सभी जगह पे बताया गया है कि किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सभी पुलिसकर्मियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति में किसी प्रकार से कोई भी अगर गड़बड़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।